ये एक आमदार और एक एमएलए के ये अल्फाज है जो बहुत ही जो है तो भयानक रुख की तरफ इशारा दे रहे हैं। तो लिहाजा जो है तो ये जालिमाना रविश के खिलाफ हमने कमिश्नर साहब से बात की है और ये अपील जो है तो हम कर रहे हैं कि आमदार को फौरन तौर पर जो है तो उस पर गुनाह दाखिल किया जाए, हमला आवारों को जेल के काल कोठरियों में दाखिल किया जाए। राष्ट्र हुकूमत भी एक जालिमों का साथ देने वाली जालिम सरकार है, तो अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो इसको आप वार्निंग समझिए, महाराष्ट्र सरकार आप इसको वार्निंग समझिए कि हम जो है तो अगर उन पर कार्रवाई नहीं हुई, मजलूमों को इंसाफ नहीं मिला तो हम रोड पर आएंगे और चक्के जाम करेंगे, रास्ता रोको आंदोलन करेंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे, महाराष्ट्र के प्रशासन को चलने नहीं देंगे। आज आम्ही ठाकरे सरकारचा जाहीर निषेध करण्यासाठी इथे आलो आहोत। यांच्या सरकारमधील काही आमदार जसं की शिवसेनेच्या जागी चिवचिवसेना, ही चिवसेना जी आहे फक्त बडबड करणारी सेना, असे फालतूचे आमदार जे जातीवादी आमदार, मनुवादी आमदार, सडक्या बुद्धीचे आमदार यांनी दलितावर अत्याचार करण्यासाठी 10,000 फौज तयार आहे आणि गृहमंत्रालय त्यांना सपोर्ट करते आणि माननीय मुख्यमंत्र्यांचा सुद्धा याला मूक पाठिंबा आहे अशा भाषा करतात, पण यांनी विसरू नये याच महारांनी याच दलितांनी 25,000 पेशवा कापलेला आहे आणि 25,000 कापू शकतो तर तू काय 10,000 फौज घेऊन होतो गायकवाड। आज डिविजनल कमिश्नर साहब के मारिफत हुकूमत महाराष्ट्र को एक मेमोरेंडम दिया गया जनाब सैयद अब्दुल वाहिद साहब की रहनुमाई और क़यादत में। मेमोरेंडम देने का हमारा मकसद ये था कि बुल्ढाना में चितौड़ गांव अंबिका नगर एक इलाका है जहां पर सभी समाज के लोग रहते हैं, जिसमें दलित समाज जो है दलित समाज के घर पर जो है तो धारदार हथियारों के साथ 10-12 लोगों ने जानलेवा हमला किया। एक दर्दनाक हमला था वो, जिसमें उनके घर की औरतों के उंगलियां कटी, ज़ईफ़ औरतों के हाथ पर तलवार के घाव लगे और बुरी तरह से उन्हें जो है तो ख़त्म कर देने इरादे से हमला किया गया था उस परिवार को। उसकी वजह ये थी कि वो पसमानदा तबके से ताल्लुक़ रखते थे। आज जो है तो महाराष्ट्र में जमहूरी हुकूमत कही जाने वाली उद्धव ठाकरे जी की हुकूमत, जहाँ पर जो है तो दलित पसमानदा पिछड़े हुए अकलियतों को दबाया और कुचला जाने की साजिशें आज भी रची जा रही है, जिसकी हम पुरजोर तौर पर जो है तो मजम्मत करते हैं। तो लिहाजा मेमोरेंडम में ये कहा गया हमने कि वहाँ का जो आमदार संजय गायकवाड़ जो शिवसेना से ताल्लुक़ रखते हैं, वो चुनकर आए हुए हैं, तो वो वहाँ पर पहुँचते हैं, उन्होंने तो वहाँ पर अमन की बात करना चाहिए था, दिलों को मिलाने वाली बात करना चाहिए था, मोहब्बतों की बात करना चाहिए था, लेकिन बड़े अफसोस और दुख की बात है। और वज़ीर आला उद्धव ठाकरे जी इस बात को जो है तो ध्यान में ले कि उन्होंने जो है तो कहा कि गांव के 25 गांव के लोगों को जमा किया जाए और 10,000 लोग मैं लेकर आता हूं। क्यों? क्योंकि ये दलित और पसमानदा तबकात को जो है तो पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए। ये एक आमदार और एक एमएलए के ये अल्फाज है जो बहुत ही जो है तो भयानक रुख की तरफ इशारा दे रहे हैं। तो लिहाजा जो है तो ये जालिमाना रविश के ख़िलाफ़ हमने कमिश्नर साहब से बात की है और ये अपील जो है तो हम कर रहे हैं कि आमदार को फौरन तौर पर जो है तो उस पर गुनाह दाखिल किया जाए, हमला आवारों को जेल के काल कोठरियों में दाखिल किया जाए और उन्हें जो है तो सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और दूसरी बात यह है कि आमदार को फौरी तौर पर सस्पेंड किया जाए। और अगर इस तरह से अगर हुकूमत महाराष्ट्र अगर नहीं करती है और ये अमल जो है तो नहीं करती है और जो कातिलाना हमले करने वालों को पूरी तरह से छूट देती है, तो हमको ये समझने में देर नहीं लगेगी कि ये महाराष्ट्र हुकूमत भी एक जालिमों का साथ देने वाली जालिम सरकार है। तो आप जो है तो हम जो है तो जालिम सरकार को कबूल नहीं करेंगे। और अगर इन पर कार्रवाई अगर नहीं होती है तो आज हमने दरख्वास्त की है, आज डिविजनल कमिश्नर के मारिफत हमने दरख्वास्त की है, और अगर जो है तो अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो इसको आप वार्निंग समझिए, महाराष्ट्र सरकार आप इसको वार्निंग समझिए कि हम जो है तो अगर उन पर कार्रवाई नहीं हुई, मजलूमों को इंसाफ नहीं मिला, तो हम रोड पर आएंगे और चक्के जाम करेंगे, रास्ता रोको आंदोलन करेंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे, महाराष्ट्र के प्रशासन को चलने नहीं देंगे। कितना दिन का अल्टीमेटम दिया?
हमने एक दो चार रोज़ का अल्टीमेटम दिया, हमने एक सात रोज़ का हमारा अल्टीमेटम है, ये सात रोज़ के अंदर हुकूमत महाराष्ट्र फौरी हरकत में आए, वरना फिर लोक विकास परिषद अपने स्टाइल में महाराष्ट्र हुकूमत को दिखाएगी कि मजलूमों पर अत्याचार अगर होता है तो उसकी सज़ा जो है तो उसके ज़िम्मेदार जो है तो जो कुछ भी होगा इसके बाद जो कुछ भी होगा इसकी ज़िम्मेदार महाराष्ट्र हुकूमत रहेगी। आपका नाम? मेरा नाम हाफिज़ मुश्ताक अहमद है, मैं लोक विकास परिषद का जनरल सेक्रेटरी हूँ। हमारे साथ में जो हमने निवेदन दिया है, मेमोरेंडम दिया है अपने मधुकर ढेपे साहब जो जिला सदर लोक विकास परिषद के, मराठवाड़ा सदर सचिन गाड़े साहब, ससाने साहब, भीसे साहब, ऐनुद्दीन साहब, मोइन भाई मेडिकल सेल के, और जावेद चाऊस साहब, आसिफ भाई, और हमारे जुमा खान साहब, और सभी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद लोक विकास परिषद के बैनर तले मौजूद हैं। आज आम्ही विभागीय आयुक्त लोक विकास परिषदेच्या वतीने निवेदन दिले आणि बुलढाणा येथील चित्तूर गावामध्ये तो अमानुष हल्ला दलितावर झाला, सुवर्ण आणि दलित यामध्ये जो भ्याड हल्ला होऊन दलिताच्या घरावर तलवारीने सोनं मंडळीने जो हमला करून त्यांच्यावर जीवितहानी पोहोचवली त्या घटनेचा प्रथमतः आम्ही लोक विकास परिषदेच्या वतीने निषेध करतो आणि सदरील ठिकाणी बुलढाण्याचे जे आमदार आहेत संजय गायकवाड यांनी त्या ठिकाणी येऊन शांतता प्रस्थापित करण्याऐवजी त्या ठिकाणी चेतावणीखोर भाषण देऊन दलितावर हमले करायचे असतील 18 सिटी कायद्याच्या कायदा जर त्या ठिकाणी लागू होत असेल तर माझ्याकडून 10,000 सैनिक घेऊन जा आणि ह्या लोकांवर आपण अमानुष असा हल्ला चोडू शकतो आणि जर तुमची तक्रार पोलीस निरीक्षक घेत नसेल तर मला त्या ठिकाणी बोलवा, मी त्या पोलीस निरीक्षकाला सदरील घटना लिहिण्यास भाग पाडतो अशी धमकीवजा बोलून या ठिकाणी मुख्यमंत्री जे उद्धवजी ठाकरे साहेब त्यांनी या गोष्टीची दखल घेतली पाहिजेत। नुसतं मुख गिळून बसून चालणार नाही, आपल्या गप पडण्यामुळं तुम्ही दलित विरोधी असल्याचा या ठिकाणी सरळ सरळ आम्ही दलित समाज आपल्यावर आरोप करतो। आपण वेळीच संजय गायकवाडला निलंबित करून त्याची आमदारकी रद्द करावी, विधानसभेमधून त्याला बरखास्त करावं ही आमची लोकविकास परिषदेची मागणी आहे। मी मधुकर ढेपे जिल्हा अध्यक्ष। आज आम्ही जे इथे विभागीय आयुक्त कार्यालयावर जमा झालेलो आहोत ही वेळ यायला नको होती, परंतु घटना जशी घडलेली आहे की आम्हाला इथे यायला भाग पाडले आणि आज आम्ही ठाकरे सरकारचा जाहीर निषेध करण्यासाठी इथे आलो आहोत। यांच्या सरकारमधील काही आमदार जसं की शिवसेनेच्या जागी चिवचिवसेना, ही चिवसेना जी आहे फक्त बडबड करणारी सेना, असे फालतूचे आमदार जे जातीवादी आमदार, मनुवादी आमदार, सडक्या बुद्धीचे आमदार यांनी दलितावर अत्याचार करण्यासाठी 10,000 फौज तयार आहे आणि गृहमंत्रालय त्यांना सपोर्ट करते आणि माननीय मुख्यमंत्र्यांचा सुद्धा याला मूक पाठिंबा आहे अशा भाषा करतात, पण यांनी विसरू नये याच महारांनी याच दलितांनी 25,000 पेशवा कापलेला आहे आणि 25,000 कापू शकतो तर तू काय 10,000 फौज घेऊन येतो गायकवाड, हे शब्द विसरू नको, हेच रक्त आहे। आता 14 कोटी संख्या झालेली आहे, 500 भीमसैनिक जर 25,000 कापू शकतात तर 14 कोटी कितींना कापतील, हा विचार डोक्यात घे, त्यानंतरच विचार कर की 10,000 सेना पाठवायची का गृहमंत्रालय। तुम्हाला सरकारच काय, कुठल्याच जातीवादी मानसिकतेच्या माणसाला रस्त्यावर सुद्धा फिरू देणार नाही अशी ग्वाही सचिन गाडे लोकविकास परिषदचा मराठवाडा अध्यक्ष देत आहे। काय दम असेल तर माझ्याशी खेट, लोकविकास परिषद सक्षम आहे प्रत्येक तुझ्या चेतावणीला उत्तर द्यायला। औरंगाबाद अपडेट एक अच्छा चैनल इस औरंगाबाद जिले में चलता है, उनके माध्यम से कहीं भी अन्याय अत्याचार हुआ तो उसको न्याय देने का काम, उसको लोगों के बीच में इंसाफ देने का काम आपके चैनल के माध्यम से होता है। मैं औरंगाबाद अपडेट्स इस चैनल को मेरी तरफ से इस राज्य का मंत्री इस नाते से तहे दिल से उनको शुभेच्छा देता हूँ और उनके हाथ से अच्छा काम हो, उनके नाम ये अपडेट के जैसा पूरा काम भी अपडेट चले यही शुभकामनाएं। हमारे खंडारकर साहब जैसे एक दोस्त यहाँ सीनियर पत्रकार जी भी हैं, उन्होंने भी आपको शुभेच्छा दी है और ये अपडेट्स जो है औरंगाबाद के बारे में सारी मालूमात आपके चैनल पे चलती है और आपके चैनल के लाखों लोग उसको देखते हैं, उनको सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं।